हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का एक और विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर परमानेंट पोस्ट रहने वाली हैं। सैलरी जो है वो 50,000 रुपये तक जो है वो आपको यहां पर मिलेगी। आवेदन 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले भी जो है ये एप्लीकेशन जो है इस पोस्ट के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश रोक दिए गए। अब आवेदन जो है वो आप 8 अगस्त से कर सकते हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, जिसने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है या एसटीसी किया है, तो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो ये जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में डिप्लोमा किया है, डीलेड किया है, ठीक है, या फिर किसी भी नाम से जाना जाता हो आपके राज्य में, बीटीसी, एसटीसी, तो सभी यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ में आपका जो है वो सीटेट पेपर 1 जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। यदि किसी स्टूडेंट ने बीएड किया है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और सीटेट पेपर 1 उसका क्लियर है, तो भी वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये वैकेंसी आई है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट पहले 20 जुलाई 2023 रखी गई थी, बट किसी कारणवश ये रोक दिए गए, ठीक है। अब जो नया नोटिस आया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और वो डेट आप भूल जाएं। 8 अगस्त से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी ये मेन वेबसाइट है www.chdeducation.gov.in। तो इसी पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर, JBT, यानी प्राइमरी टीचर। अब डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं, सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पर जो है वो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है, जनरल की 149 है, ओबीसी की 56 है, एससी की 59 है और ईडब्ल्यूएस की 29 है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर है 293। और इसके अलावा जो है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है इनके लिए जो है रिजर्वेशन है। पे स्केल जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 9300 से लेकर 34800 तक जो है वो आपकी सैलरी रहेगी, और साथ में आपको ग्रेड पे 4200, ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। सिलेक्शन जो है कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है आपके आपका एक एग्जाम होगा, जिसमें 40% मार्क्स जो है वो सभी कैंडिडेट को लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। 150 मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और यहाँ पर 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये जो है वो सिलेबस है, जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे, उसके अलावा मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस है। यहाँ पर आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड जो है आप लोगों का यहाँ डिफिकल्टी लेवल रहेगा, तो आपको 10वीं तक की जो है NCERT बुक्स पढ़नी होंगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हिंदी इंग्लिश बायोलिंगुअल लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो 21 से 37 साल तक के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टू SC, OBC, ESM, PWD एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वह मिलेगा। यहाँ पर जो है वो पहले जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे थे, तो ये जो है आपको देखना नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कि 8 अगस्त से जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस जो है जो कि इसी वेबसाइट पर आएगा, तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आप लोग बार बार चेक करते रहें जैसे ही सिलेबस आता है, और आप लोग अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। और भी कोई इससे रिलेटेड न्यूज़ होगी तो मैं आप लोगों को चैनल पर जरूर बता दूंगी। यहाँ पर 293 पोस्ट के लिए ये एडवर्टीजमेंट जारी हुई है, और नई डेट जो है उसके लिए नया नोटिस जो है वो अभी आया है, 8 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और बाकी सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू।